रावण का अंत आ गया, लंका में लाई लग गई। तो गाइस अभी हमने इतने सारे रॉकेट लगा दिए, ये करीब 5 से 6 रॉकेट है, और इसके नीचे रख दिए हमने अनार। हम लगाएंगे इस अनार को आग और देखते हैं ये सारे रॉकेट जलते हैं या नहीं। जलाओ कल। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर सच में मजा आने वाला है, क्योंकि भाई हम हमारा खुद का एक रावण लेके आए हैं। गाइस अभी हम घर पहुंच गए हैं हमारे खुद के रावण को लेके। ओ भाई साहब, तो गाइस कुछ इस तरीके का है हमारा ये रावण। एक बार देखो इसे, है ना बहुत ही शानदार। ओ भाई गाइस देखो कुत्ते भी चिल्लाने लग गए। अबे क्या हो गया, रावण लेके आए रावण। एक बार देखो कितना बड़ा ये रावण है, और इनको देख के ये कुत्ते चिल्ला रहे हैं। देखो क्या हो गया भाई, क्या आ गया ऐसा नया, कैसा है एनिमल रावण, एक नंबर गजब। तो गाइस आज के दिन भैया रावण को दहन करा जाता है, तो भैया हमने भी हमारा एक छोटा सा रावण लेके आ चुके हैं, और भाई हम आज इसको दहन करेंगे। दद्दो क्या कर ले हो? इसको मैं ठोक रहा हूँ रावण के लिए। रावण के लिए हथौड़ा बना रहे हो? आज जलाएंगे रावण को? जलाएंगे हाँ, पक्का पक्का। ओ भाई गाइस दद्दू यार सच में बहुत ही ज्यादा मेहनती है, इतने मोटे हथौड़े को सही कर रहे हैं। ये क्या ढीला हो गया था ना दद्दू, ये निकलता गाने, ये गण निकलता गण। हाँ इसको सही कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। ओ भाई साहब, तो गाइस चलो अभी काम करते हैं, हमारा जो रावण है उसको हम पटाखों से सजाते हैं, क्योंकि भाई ये जो रावण है बिल्कुल अंदर से खाली है। एक बार देखो इसके अंदर ये पूरा का पूरा खाली है, सिर्फ हम ये ढांचा लेके आए हैं जिसको ऊपर से इस तरीके से कुछ बनाया गया है। अब हम इसके अंदर बहुत सारे पटाखे भरेंगे, और जो पटाखे कहाँ हैं, पटाखे लाओ ना, ये वाले हैं। तो ये पूरी पूरी लड़ी है, इसके अंदर हम लड़िया डालेंगे, और कोशिश करेंगे कि कम से कम पटाखे यूज करें, क्योंकि भैया अभी है ना हमारी जस्ट फसलें कटी हैं, और चीजें है ना चारा वारा बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो वो देखो कितने सारे कटपट के रखे हुए, तो इनका जलने का डर भी रह सकता है। तो इस वजह से हम भैया कम से कम पटाखों का इस्तेमाल करेंगे, और फिर भी भाई मजा आएगा। हाँ दद्दो क्या कह रहे हो, मैदान में ले जाके करें? गाइस दद्दू तो कह रहे हैं कि इसको भैया मैदान में ले जाके दहन करा जाए, बट हम सोच रहे हैं घर पे कर ले यार, कौन दूर लेके जाएगा। चलो कोई ना, देखते हैं वो फाइनल में देखेंगे अपन। तो ये सारे पटाखे हैं इन थैलियों के अंदर रखे हुए, क्या क्या लिखा है पटाखे यार दिखाओ। तो गाइस इस थैली में ये पटाखे हैं, और उस थैली में कुछ ये पटाखे। अरे वाह, ये स्वास्तिक वाला पटाखा बहुत ही शानदार है गाइस। ये वाला पटाखा देखा आपने कभी? वाह यार मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ। और देखते हैं क्या क्या लिखाए हैं। ये है भैया फ्लावर पॉट्स बिग अनार हैं। ये वाले भैया मेरे को बहुत मस्त लगते हैं, बिजली बम जो कि छोटे छोटे ऐसे कुछ आते हैं। फिर ये अशोक फ्लावर पॉट्स, अनार की बहुत सारी वैरायटी है, बड़े अनार हो गए। ये पूरी एक लड़ी है, इस लड़ी को खोल के दिखाना, खोल के दिखाओ इसको। गाइस ये वाली लड़ी देखो यार कितनी बड़ी लड़ी है भाई साहब, इसमें पूरे के पूरे 2000 पटाखे हैं। और ये कुछ रॉकेट्स हैं, कौन से पटाखे डालोगे इसमें? ये वाले डालेंगे पहले तो लड़ी। हाँ। अच्छा तो भाई जब तक हमारा राउंड सज रहा है पटाखों से, हम एक काम करते हैं, ये जो नया वाला पटाखा है इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा चलता है और कैसा नहीं चलता है। चलो 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 इधर से थोड़ा दूर चलते हैं, वरना ये हमारा रावण अभी जल जाएगा, रात होने से पहले पहले ही दहन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सही जगह है, मम्मी ने बढ़िया सा साफ कर दिया है, तो इसको रखा यहाँ पे, इसमें नीचे चक्री जैसा सीन दे रखा है बस। मम्मी ये है भैया फायर, फायर जल क्यों नहीं रही गाइस, गाइस फायर जल नहीं रही है गाइस, पोपट हो गया ये तो जल ही नहीं रहा। अब माचिस से काम करते हैं, जलाओ मम्मी। वाह यार गाइस सही है, ये तो शानदार है यार। गाइस ये है ना चार बार घूमता है, क्योंकि इसके अंदर है ना चार बार वो क्या कहते हैं सेल लगे हुए, जो पटाखा है बारूद है वो, तो ये चारों बार जल चुका है। बढ़िया है, मस्त लगा, चलो सही है। काला हो गया फर्स्ट, जैसे गंदा कर रहे हैं ना उस तरीके से साफ भी करना है फिर। गाइस वीआईपी लगा दिया इधर बहुत बड़ा, ये हाथ मुझे दे दे रावण। तो गाइस इतनी सारी गोलियां और भी गोलियां खोल रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे डब्बे पड़े हुए हैं, ये पूरा बॉक्स पड़ा है, तो ये सब जाएंगे रावण के अंदर। तो गाइस फाइनली हमारा जो रावण है हमने उस पर फटाके लगा लिए है, और उसे पिकअप के ऊपर लोड कर दिया है। तो तैयार हो सब लोग, चले चलो भैया। दद्दू आज है ना, आप क्या करोगे? मैं ये
लाई लगेगी बुझा दूंगा इससे। चलो गाइस फटाक से लोकेशन पे चलते हैं। आ जाओ तैयार है भैया, बिल्कुल तैयार है, हम जलाएंगे बाबा को। तो गाइस जिसमें हमारे सारे पटाखे हैं और अभी हम घर से जा रहे हैं। दद्दो हाँ, ये जो रावण है कौन? रावण है ये लंका का। हाँ लंका का रावण है। अच्छा ये गंदे थे या अच्छे थे? अच्छे नहीं थे, ये गंदे थे। अच्छा सीता को पार कर दिया इसने। तो गाइस अभी हम ऊबड़ खाबड़ रास्ते से लेके जा रहे हैं हमारे रावण जी को। हाँ ओ भाई साहब। तो गाइस फाइनली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और हमारा रावण ये रहा। तो गाइस जो हम चारा लेकर आए थे वो हमने रावण के अंदर डाल दिया। अब एक काम करेंगे, ये सारे के सारे पटाखे इसके अंदर डालने वाले हैं। तो गाइस फाइनली हमारा जो रावण है उसका हमने पूरी तरीके से सेट कर दिया है। अब बारी है हमारे इस प्यारे से रावण को दहन करने की। तो दद्दू तैयार हो आप? तैयार हूँ भैया। तो गाइस हमारे इस रावण को भैया दद्दू करेंगे। हाँ मैं जलाऊंगा। आप जलाओगे? मैं जलाऊंगा। दद्दू कुछ कहना चाहते हो? क्या कहूंगा, रावण का अंत आ गया। अंत आ गया और लंका में लाई लग गई। रावण जाएगा। तो गाइस बिना किसी देरी के हम फटाक से हमारे रावण को दहन करते हैं। दद्दू लगाइए। ये लगाइए, इसका मेला भर गया आज। हाँ रावण का लगाओ। तो गाइस ओह गाइस दद्दू ने फाइनली रावण पे आग लगा दी है। ओह माय गॉड दद्दू। हाँ। मैंने आपको कहा था नाभि में लगानी, आपने फिर ऊपर कैसे लगाया? यार दद्दू करीब मत जाओ। तो गाइस फाइनली हमारा जो रावण है भैया उसका दहन हो चुका है और ये जल के बिल्कुल। ओ भाई साहब देखो जो हमने अनार और वो सब डाले थे वो कैसे हो रहे हैं, खतरनाक तरीके से ही जल रहे हैं। ये लो भैया, ये गिर गया भाई, बॉडी गिर गई। तो गाइस फाइनली हमारा जो रावण है उसका दहन हो चुका है। रावण को जला दिया भैया। हाँ तो जो अभी हमारा ये रावण है अब हम इसे यहाँ से साफ करेंगे और हमारी पिकअप के अंदर डालेंगे और यहाँ से लेके जाएंगे। अभी भी देखो इसमें वो जाए झिलमिल डाल रखी है हमने, वो जल रही है इसी के अंदर। वाह। तो गाइस अभी हमने इतने सारे रॉकेट लगा दिए हैं, ये करीब 5 से 6 रॉकेट है और इसके नीचे रख दिया हमने अनार। हम लगाएंगे इस अनार को आग और देखते हैं ये सारे रॉकेट जलते हैं या नहीं। जलाओ अंकल। अनार फुस जाएगा। आए ले। अरे यार गाइस दो रॉकेट तो निकले थे बट जो अनार है ना वो थोड़ी टेढ़ी हो गई तो भैया बाकी का निकला। ये एक और गया। ओ तेरी।